أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين جبلي الخراسان بقعة من بقاع الجنة ستدفن فيه بضعتي. ولادت با سعادت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام آپ تمام لوگوں کو مبارک ہو. شب عید ہے, ہر طرف خوشی اور سرور اور شادمانی اور کیف ہے, اور کیوں نہ ہو کہ رضا الہی, خوشنودی الہی, وہ حقیقت کہ جو رضا پروردگار ہے, خداوند عالم کی رضا کا نام رضا ہے. آج اس مقدس ہستی کی آمد کا دن ہے اور آج کی شب اس کی آمد کا موقع ہے. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بین جبل الخراسان, خراسان اور طوس, بین جبل طوس, طوس کے دو پہاڑوں کے بیچ میں, بقعۃ من بقاع الجنہ, جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اس جنت کے ٹکڑے میں میرے وجود کا ٹکڑا دفن کیا جائے گا, میرا پارے تن, پارے جگر دفن کیا جائے گا اور اس کا نام رضا ہوگا. حضرت رضا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہمارے آپ کے لیے عظیم ترین موقع ہے معارف اہل بیت میں سیر کرنے کے لیے, اور امام رضا علیہ السلام کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ حدیث اللہ, جو حدیث قدسی ہے, جو حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری نے نقل کیا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زبانی اور حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جابر کو وہ تختی, وہ لوح, وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کتیبہ دکھایا جس میں یہ تھا کہ اور میں حضرت موسیٰ ابن جعفر کے بعد اپنے بندے ولی ابنہ علی الرضا, میں اپنے ولی کو امامت عطا کروں گا, وأضع علیہ آباء النبوۃ, اور میں حضرت رضا کے کاندھوں پر نبوت کے سلسلے میں جو کچھ بھی ذمہ داری ہے وہ ان کے کاندھوں پہ رکھوں گا. یعنی 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اور ان کے نام کو زندہ رکھنے اور ان کے پیغام اور ان کی شریعت کو صحیح معنوں میں پہنچانے کے لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا گیا ہے. آپ کو خطیب الائمہ کہا جاتا ہے, یعنی آپ اسپیکرز آف ائمہ شیعہ ہیں, یعنی ائمہ شیعہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سخنور ہیں, سخنگو ہیں. جو آپ کہتے ہیں
वो आपकी अपनी जबान नहीं होती है बल्कि 124,000 अंबिया और 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम की जबान होती है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की अहादीस से शिया इस्नाअशरी अकायद को कशीद किया गया है। इसकी वजह और दलील यह है कि हज़रत रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने में किसी भी किस्म का तकिया नहीं था। आपकी ज़िंदगी के मुतअद्दिद अदवार हैं। आपकी ज़िंदगी का पहला हिस्सा जो था, जो आपकी इमामत का सिलसिला था, वो हारून रशीद का ज़माना था। हारून रशीद एक खूंखार ख़तरनाक दरिंदा था जो सादात को कत्ल करता था, मोमिनीन को कत्ल करता था और अहले बैत से बोग़्ज़ व कीना रखता था। इस हंगामी और संगीन हालात में खुल्लम खुल्ला ऐलान करते थे कि आज उमैया बातिल थे, खुल्लम खुल्ला ये कहते थे कि खुलफाए सलासा व सबाए सलासा अबू बकर उमर उस्मान और उस दस्तगाह और उस सिस्टम से जुड़े हुए लोग नाहक थे और एक शहर नहीं, कभी खुरासान, कभी जो है आप यमन जाते थे, कभी कूफा जाते थे, कभी वासत जाते थे, कभी हिजाज जाते थे, कभी तायफ जाते थे, अलग इलाकों में खून के कतरात टपक रहे हैं और इसके हाथ आपके ख़ानदान और मोमिनीन और शियान हैदर कर्रार के खून से सने हुए हैं और जालिम कत्ल करने में ज़रा सा भी दरेर नहीं करता, उसके बावजूद आप अपनी इमामत का ऐलान करते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया, मैं आपके जवाब में वही कहूँगा जो मेरे चहेते अमजद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आपने क्या फरमाया? जब लोगों ने कहा कि आप अबू जहल साहब को खौफ महसूस नहीं होता, आप अपनी नबूवत का ऐलान करते हैं, बुतों के बातिल और बुतों के नाजायज़ और नाहक होने की खबर देते हैं, तो अबू जहल के पास लश्कर है, अफसान न पहुँचाए तो हुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अबू जहल मेरा एक बार भी भीखा कर ले या बाका कर ले तो समझो कि मैं नबी नहीं हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर हारून रशीद मेरे बदन, मेरे सर का एक बाल अगर तोड़ ले तो समझो मैं इमाम बरहक नहीं हूँ। ऐसे ही हुआ, हारून रशीद को जुरात नहीं हुई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ऊपर हाथ डालने। जरा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए दर्स है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हयात हमारे लिए दर्स है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमने अपना दीन लिया है। आपकी हैसियत संगमीर की है। आज की गुफ्तगू जो है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत मुक़दस और बासआदत को अपने लिए खुशियों यमन और राह मारिफत तसव्वुर करते हुए आज इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़बान से इमामों की अलामत, असल इमाम बरहक की क्या अलामत है, कैसे पहचाना जाए कि कौन इमाम है और कौन इमाम नहीं है। इसलिए कि हर आदमी दलाइल और आयात और रवायात और बराहीन तो नहीं जानता, लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद जिस्म और रूह की कुछ ऐसी खसूसियतें हैं कि जो हर इंसान के लिए वाज़े और आश्कार हो सकती हैं और उनके तस्करे किताबों में लिखे हुए हैं। लिहाजा ये जो अलाम बयान कर रहा हूँ इमामों की, ये मुहिम है और हर शिया को मालूम होना चाहिए के इमाम मासूम, इमाम बरहक और इमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम जो होगा उसकी निशानियाँ और अलामतें क्या होंगी। मेरे सामने मशहूर व मारूफ किताब है उयून अखबार रज़ा अलैहिस्सलाम, जिसको मरहूम है शेख सदूक रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने तहरीर फरमाया है और हज़रत रज़ा अलैहिस्सलाम की अहादी मुहिम अहादीस को और उनसे मुतालिक मालूमात को मरहूम शेख सदूक रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने जमा फरमाया है।
कलेक्ट फरमाया है। और जिस हदीस को मैं आपके सामने आज पढ़ूंगा वो बाब नुज़ूम है, चैप्टर नंबर 19 है और सफ़ा नंबर 189 है। और इस बाब का नाम है बाब मा जा रज़ा अलैहिस्सलाम फ़ी अलामात इमाम। इस चैप्टर का खुलासा यह है कि इमाम की अलामतों के सिलसिले में जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने हदीसें फरमाई हैं उसका बाब, उसका चैप्टर। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ आपके सामने, मैं सनद के साथ पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहूम शेख सदूक कहते हैं हद्दसना मोहम्मद इब्न इब्राहिम इब्न इसहाक अत्तालिकानी रज़ियल्लाहु अन्हु। शेख सदूक कहते हैं कि मोहम्मद इब्न इब्राहिम इसहाक अत्तालिकानी ने मुझसे यह हदीस फरमाई है। जनाब इसहाक अत्तालिकानी फरमाते हैं हद्दसना अहमद इब्न मोहम्मद इब्न सईद इब्न उक़दत अल-कूफी, मुझसे हदीस फरमाई है अहमद फरजंद मोहम्मद फरजंद सईद फरजंद इब्न उक़दा कूफी। वो कहते हैं कि हद्दसना अली इब्न अल-हसन इब्न अली इब्न फद्दाल। वो कहते हैं मुझसे ये रवायत बयान की है किसने, अली फरजंद हसन ने, कि जो हसन फरजंद अली इब्न फद्दाल हैं और अली इब्न फद्दाल अपने वालिद फज्जाल से ये रवायत नकल करते हैं। फरमाते हैं अन अबिल हसन अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिम सलाम। हदीस इमाम रज़ा अलैहिम सलाम फरमाते काला लिल इमाम अलामातुन, इमाम के लिए कुछ अलामतें और निशानियां हैं। पहली अलामत अल इमामु आलम अन्नास, इमाम लोगों के दरमियान सबसे बड़ा आलिम होता है। लिहाजा इमाम के इल्म की कोई हद नहीं है, और अगर पहचानना है कि इस दुनिया में इमाम कौन है उससे आप सवाल कीजिए, अगर वो जवाब न दे सके तो यह आप समझ जाइए कि वो इमाम नहीं है। लिहाजा रवायतों में आया है कि अल इमाम ला यकूलो अबदन कौलो ला अदरी, इमाम के लिए जायज़ नहीं कि कहे कि मुझे नहीं मालूम। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इमाम को इल्म दिया है, जैसा कि हम कुरान की आयात पढ़ते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहि सलातो वस्सलाम अला नबीना अलैहि व आलिहि सलाम ने जब तख्त बिलकीस के बारे में अपने दरबार में गुफ्तगू की तो आसिब इब्ने बरखिया या बुरखिया या बेरखिया, तीनों तरीके से पढ़ा गया है, उर्दू में आसिब इब्ने बरखिया मशहूर है। आसिब इब्ने बरखिया ने हजरत सुलेमान से फरमाया, किसी ने कहा कि मैं आधे घंटे में लाऊँगा, किसी ने कहा आधे दिन में, किसी ने कहा कि आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले मैं तख्त बिलकीस हाजिर करूँगा। आसिब इब्ने बरखिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये तख्त ले आऊँगा कबला, इससे पहले कि आपकी पलकें झपकें, आपकी पलक झप चश्म सदन में लम्हे बसर में मैं ये तख्त ले आऊँगा। और वो ले आए, और जब ले आए तो कुरान कहता है कि उस शख्स के पास वइंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, लेकिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए परवरदिगार ने इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब कह दीजिए कि आपकी नबूवत और आपकी हक्कानियत के लिए अल्लाह काफ़ी है गवाह, और एक और गवाह कि वइंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हम अहले बैत के पास आसिब इब्न बरखिया के पास थोड़ा सा इल्म था किताब का, उसमें इतनी तवानाई थी विलायत और तसर्रुफ था कि उसने यमन से ऊर्शलीम तक फलस्तीन तक पलक झपकने में तख्त बिलकीस बिलकीस और लश्कर बिलकीस को हाजिर कर दिया, उसके पास ज़रा सा इल्म था। हम इमामों के पास इल्मुल किताब है, सारी किताब का इल्म है, तो हमारी ताकत और हमारी कुदरत और हमारी विलायत और हमारे इल्म की वसअत की हद क्या होगी।
लिहाजा अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम के इमामों की शान यह है कि कभी उन्होंने किसी सवाल के जवाब में इजहार आजज या इजहार नातवानी नहीं किया, बल्कि फरमाते थे सलूनी सलूनी कबल अन तफ़्क़दूनी, जो पूछना है वो पूछो। लिहाजा इमाम को आलमुन्नास होना चाहिए, पहली अलामत। वैसे अलामतें ज़्यादा हैं, मैं अगर तौज़ीह दूंगा तो वक्त ज़्यादा लगेगा। पहली इमाम की अलामत ये कि इमाम अपने ज़माने में बल्कि पूरी कायनात में हर ज़माने में सबसे आलिम इंसान होगा। वह अहकमन्नास, लोगों के दरमियान सबसे ज़्यादा बाहोश, सबसे ज़्यादा हकीम, दूरंदेश और बाफिक्रो बा नगर होगा। यानी इमाम अलैहिस्सलाम की सोच और फिक्र और उसका अंदेशा, उसका नज़रिया हर नज़रिए से बालातर होगा, उससे बड़ा कोई हकीम नहीं होगा। वह अतकन्नास, उस ज़माने में इमाम, तीसरी अलामत जो है वो ये है कि इमाम अपने ज़माने में सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार होगा, इसलिए कि हुदन लिल मुत्तकीन, कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है, अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इमामुल मुत्तकीन हैं। लिहाजा जो भी इमाम होगा वो इमामुल मुत्तकीन होगा। साहिबान तक्वा, मन यत्तकिल्ला यजअल लहू मखरजा, जो तकवा अख्तियार करता है, जिसे खुदा की परवाह होती है, जो खुदा की रियायत करता है, जो खुदा की मासियत से बचता है, हमेशा उसकी रजा और उसकी खुशी को तलाश करता है, हमेशा उसके बताए हुए दस्तूरात पे, हम उसे मुत्तकी कहते हैं। फरमाए जो ऐसा होगा, खुदा कहता है तक़िल्लाह, जिसने तकवा अख्तियार किया मैंने उसके लिए हर बंद रास्ते के अंदर मैंने उसके लिए दरीचा खोल रखा है, कहीं भी वो मुश्किल में गिरफ्तार होगा लेकिन उन मुश्किलात से निकल जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो साहिब तकवा होता है। ये मुत्तकीन का काम है, जो इमाम उलमुत्तकीन हो। लिहाजा इमाम तकवे के एतबार से इमाम से बड़ा कोई मुत्तकी अपने ज़माने में नहीं हो सकता। वह अहलमन्नास, इमाम चौथी अलामत जो इमाम की है, पहली अलामत सबसे बड़ा आलिम, दूसरी अलामत सबसे अजीम हकीम और दूर अंदेश, तीसरी अलामत सबसे बड़ा अजीम तरीन मुत्तकी, चौथी अलामत अहलमन्नास, इमाम अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा हलीम होगा। हलीम अरबी में हेल्म के माने होते हैं हमलुल हमलुस्तकल व अदम तरही व अदम इल्काही, भारी बोझ को उठा लेना और ज़रा सा भी इजहार तकलीफ न करना और बोझ को ज़मीन पे न रख देना, इसे कहते हैं हलीम। असल में इस्तिलाह में हलीम किसे कहते हैं? उस शख्स को कहते हैं जो दुनिया में लोगों की तरफ से तरह तरह की परेशानियां और मुसीबतें बर्दाश्त करे लेकिन अपनी शराफत और अपने वजूद को कभी धब्बा न लगने दे, अपने आपे से बाहर ना हो। अब देखें इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम को लोगों ने गालियां दी, मौला अली अलैहिस्सलाम को 70,000 मेंबरों से तकरीबन 80-90 साल तक इमाम अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा गया। अइमे ताहिरीन को रोज़ाना उकसाया जाता था ताकि वो खुल के सामने आ जाएं और कोई बहाना तलाश करें ताकि उनके सिस्टम को समेट दिया जाए, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम अहलमुन्नास, उसकी कुव्वत बर्दाश्त सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम इमाम के चाहने वाले हैं तो अपनी कुव्वत बर्दाश्त बढ़ानी होगी, घर के अंदर अपने बच्चों के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ, कौम वालों के साथ, दुश्मनों के साथ और मुखालिफीन के साथ। अगर हम वक्त वक्त पे नाराज़ हो जाएंगे, आग बबूला हो जाएंगे तो हक को हक्कानियत को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इमाम वो होता है जो हर तरह की तौहीन बर्दाश्त करता है लेकिन आपे से कभी बाहर नहीं होता, उसके गुस्से पर उसकी अक्ल का गलबा होता है, नहीं है कि उसकी अक्ल के ऊपर उसके गुस्से का गलबा हो। अश्यन्नास, इमाम अपने वक्त का शुजातरीन शख्स होता है, इमाम सबसे ज़्यादा शुजा होता है। पूरी दुनिया में हर दौर में आप इमामों की ज़िंदगी आप डालें
तो न इमाम की ज़िंदगी में खौफ है, न इमाम की ज़िंदगी में इस्तराब है। इमाम हक़ को बयान करने में ज़रा से भी झिझकते नहीं, किसी भी ज़माने में, चाहे वो मौला अली अलैहिस्सलाम का ज़माना हो, चाहे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का ज़माना हो, तमाम आइम्मा अज़ नज़र शुजात सबसे अफजल इंसान अपने, व असखन्नाम सखी उसे कहते हैं कि जो लोगों को बेतहाशा अता करता है, जो हमेशा लोगों को देता रहता है। अच्छा, हम आप जब किसी को कुछ देते हैं तो कुछ न कुछ तवक्को रखते हैं कि साहब कम से कम वो मुझे मेरा शुक्रिया अदा करेगा, कम से कम दुनिया में नेक नामी होगी, कम से कम वो मेरा अपना हो जाएगा। अइम्मे ताहिरीन अलैहिस्सलाम की अता और बख्शिश में ऐसा कोई गोशा नहीं था। इमाम अलैहिस्सलाम के दुश्मन ने मांगा, आपने दे दिया। इमाम अलैहिस्सलाम के मुखालिफ ने मांगा, जो जिसने भी इमाम के सामने हाजिरी दी, अक्सर औकात वो दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद इमाम अलैहिस्सलाम मांगने से पहले उनको अता करते थे, और देते वक्त उनको इस बात का ख्याल नहीं होता था कि एक दिरहम मांगा था, मैंने उसको 1,00,000 दिनार दे दिया या 1,00,000 दिरहम दे दिया। क्यों? इसलिए कि इमाम अलैहिस्सलाम आईना है सिफात परवरदिगार का, वल फैज़ मिन्हु जारी, खुदा का फैज़ जारी है। खुदा वंद आलम अपने रिस्क को फासिक हो, फाजिर हो, ज़ालिम हो, आदिल हो, इंसान हो, हैवान हो, चरिंद हो, परिंद हो, इंसेक्ट हो, हशरात, सबको अता करता है, और अता करते वक्त उसको किसी से किसी बात की तवक्को और इंतज़ार नहीं होता। इमाम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे सखी शख्स होता है जो इमाम होता है, और देते वक्त उसको दोस्त और दुश्मन का कोई ख्याल नहीं होता, न उसे इस बात का ख्याल है कि ज़्यादा दे दिया कल क्या होगा। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में 3 से 4 बार बाद रहा था, क्योंकि 5 बार आपने अपने तमाम अमवाल को 2 हिस्से में किया, और उसके बाद एक हिस्सा फ़ुकरा और मसाकीन में तकसीम कर दिया, और बाकी दूसरे हिस्से को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया। इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम के पास जो पैसे आते थे, चूँकि लाखों और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अमीरुल मोमिनीन ने इमामों के लिए वक्फ की थी, जो वक्फ नामे में मौजूद है, इसी किताब में उस वक्फ का जिक्र है कि 2,70,000 की आमदनी जो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम 2,70,000 दीनार, यानी आज शायद 200-300 बिलियन रुपए या डॉलर की आमदनी होगी जो इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम को थी, और ये सारी सरवत और दौलत को इमाम हसन मुश्तबा और बकिया आइम्मा अलैहिस्सलाम इंसानों की फलाह और बहबूद के लिए खर्च, किसी को 10,000 दिनार दे दिया, किसी को 5,000 दिनार दिया, किसी को 40,000 दिनार दे दिया, जिसको जैसी ज़रूरत होती थी देते थे। इस बात का इशारा है कि अगर इंसान अक्ल के नाखून लिए होते तो अहले बैत को खिलाफत दिए होते, तब उनको पता चलता कि आज जो दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोटी कपड़ा और मकान, तो आज इंसानों का ये मसला ना होता, इंसान कोई भूखा नहीं होता, कोई बेघर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता। लेकिन लोगों ने चंद रोज़ की लज्जत के लिए तमाम दुनिया के इंसानों को जुल्म किया, और आइम्मे ताहिरीन को उनको मसनद खिलाफत और मसनद ज़ियामत से दूर हटा दिया। इमाम असखन्नास है, अहकमन्नास अलमन्नास 1, अहकमन्नास 2, अतकन्नास 3, अहलमन्नास 4, अशजअन्नास 5। छठी अलामत जो है वह असखन्नास है, और 7वीं निशानी जो इमाम की होगी, अबदन्नास, अपने ज़माने में सबसे बड़ा इबादत गुजार होगा। उसके बाद यलिदु मख्तूनन, जब इमाम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद को अल्लाह ताला हर तरह की आलाई से पाक रखता है, लिहाजा यहाँ तशरीह हुई है कि इमाम अलैहिस्सलाम मख्तून होते हैं, उन्हें हरगिज़ खतने की ज़रूरत नहीं होती है। इमाम अलैहिस्सलाम पाक और मुबर्रा होते हैं। क्यों? रवायतों में है कि जब तक बच्चे का खतना नहीं होता तब तक गलाजतें उसके बदन में रहती हैं, 40 दिन तक अगलफ की नमाज कबूल नहीं होती, ये सारे मसाइल हैं। लेकिन इमाम मासूम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आते हैं तो हर लिहाज से कम्प्लीट और हर लिहाज से मुकम्मल इस दुनिया में आते हैं, और उनके वजूद में कोई आलाइश नहीं होती है।
पहली अलम व यकून मुतहरन, जब इमाम इस दुनिया में कदम रखते हैं तो इमाम मुतहर होता है, यानी हर किस्म की आलाइश से इमाम पाक होता है। जैसा कि इमाम हसन मुश्तफ़ा अलैहिस्सलाम के लिए रवायतों में मिलता है कि जब आपकी विलादत बासआदत नज़दीक आई तो हुज़ूर सरवर कायनात सहन खाना में चहलकदमी फरमा रहे थे कि उम्म हबीबा या उम्म अल-फ़ज़ल हातीनी इब्नी हातीनी वलदी हलुम्मी अलैया वलदी बदअतुम मिन्नी, मेरे बच्चे को ले आओ मेरे बच्चे को ले आओ। तो हज़रत उम्म फ़ज़ल जो आपकी चची थी, उन्होंने कहा ज़रा सब फरमाइए, बच्चे को नहला दिया जाए, बच्चे को साफ़ कर दिया जाए। तो हज़रत पैगंबर के चेहरे पर गज़ब के अलामत नमुदार हो गए, तो नज़्फ़ीनहू अल्लाह तहरहू व नज़्फ़ा, मेरे बेटे की तत्हीर किसी इंसान का काम नहीं है, अल्लाह ने उसे मुनज़्ज़ह यानी हर ऐब और हर बुराई से पाक पैदा किया है और अल्लाह ने उसे मुतहर करार दिया है। अदाए में ताहरीन अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो वो मुतहर होते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, आका इमामों की खुराक रहम मादर में क्या होती है? इमाम ने फरमाया तस्बीह, हमारी ग़िज़ा हमारा खाना सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुब्हुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकते वर्रूह, तस्बीह होती है। क्यों? इसलिए कि हम अहले मादा नहीं हैं, हम नूर के मखलूक हैं, लिहाजा हमारे जिस्मानी तकाज़ों के अंदर कहीं के ऊपर कसाफत और नजासत और कहीं के ऊपर गलाजत का गुज़र नहीं होता है। वयरा मिन खल्फही कमा यरा मिन बैन यदै, इमाम के लिए फ्रंट आगे और पीछे नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम आप अपनी आँखों से अगले हिस्से को देख सकते हैं लेकिन पीछे हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इमाम यरा मिन खल्फही व मिन बैन यदै, इमाम आगे भी देखता है पीछे भी देखता है। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम की दीद और निगाह के अंदर भी कम इलमी का गुजर नहीं है। जिस तरीके से फ्रंट वाले को सामने वाले को इमाम देखते हैं सलामुल्लाह अलैह, वैसे ही जो पीछे खड़ा है उसको। जब वहशी मलऊन से हिंद बिन उतबा ने यानी मादर माविया ने ये कहा कि तुम अली को कत्ल कर दो या रसूल खुदा को कत्ल कर दो, तो उसने कहा कि मैं हमजा को तो कत्ल कर सकता हूँ लेकिन रसूल खुदा को कत्ल नहीं कर सकता, इसलिए कि रसूल खुदा के आसपास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर अल मोमिनीन होते हैं, अली अलैहिस्सलाम होते हैं। तो उसने कहा कि अली को कत्ल कर दो, उसने कहा कि अली को भी कत्ल नहीं कर सकता सलामुल्लाह अलैह, इसलिए कि अली जैसे आगे देखते हैं वैसे पीछे देखते हैं, लिहाजा हमला चाहे आगे से हो या पीछे से हो इमाम अलैहिस्सलाम गाफिल नहीं रहते। जो भी इमाम होता है उसकी अलामत यह है कि इमाम जैसे अपने आगे आँखों से देखता है वैसे ही उसको पीछे भी दिखाई देता है, उसके लिए कोई कैद नहीं है। अब ये खुद एक बड़ी तहकीकी बात है कि इंसान की विजुअलिटी का ताल्लुक जो है, इंसान की दीद और निगाह का ताल्लुक जो है, इंसान की भवों और इंसान की नाक की बनावट और इंसान की आँखों की मैथमेटिक और रियाजी करारदाद और सेटिंग की वजह से होती है। ज़रा सा नाक टेढ़ी हो जाए या ज़रा भौं इधर उधर हो जाए या आँखों में ज़रा सा जाविये में तब्दीली आ जाए तो इंसान की निगाह कमज़ोर हो जाती है, सही नहीं देखती है। इमाम अलैहिस्सलाम बताना चाहते हैं कि इमाम के देखने के लिए न दीदे की ज़रूरत है और न ही आँख की ज़रूरत है और न ही मामूली डिवाइसेस की ज़रूरत है। इमाम हर चीज़ में इमाम होता है, लिहाजा जैसे वो आगे देखता है वैसे वो पीछे देखता है। वला यकून लहू ज़िल्लुन, और इमाम का साया नहीं, साया न होने का मतलब यह है हर वो शय जो जिसमें कतीफ है यानी मटेरियल है मादा है उसके ऊपर जब भी रोशनी पड़ेगी तो उसमें साया होगा। सिर्फ साया उस शय का नहीं होता कि जो मुजस्सम लाइट और नूर हो और उसके ऊपर किसी चीज़ का भी साया पड़े तो ऐसी सूरत में उसका साया होगा, इमाम का साया नहीं होगा। लिहाजा फरमाया इमाम वो है कि जिसमें ज़ाहिरी के अंदर भी इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद में मादा नूरानियत की कमाल नूरानियत के दर्जे कमाल तक पहुंचा हुआ है।
لہذا آپ کا جسم نورانی آپ کے جسم اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کو اللہ نے نوازا ہے کہ امام کے وجود میں سایہ نہیں ہوتا. ایک اشارہ اور بھی ہے کہ ساری دنیا کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا وہ سورج کے ذیل میں، سورج کے سائے میں جیتے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام خود خورشید فروغ خلق ہیں، لہذا آپ کو کسی سورج کی ضرورت نہیں ہے، کسی چاند کی ضرورت نہیں ہے. روایتوں میں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں اندھیرے سے گزرتے تھے تو وہاں کے اوپر ایسا جگمگاہٹ ہو جاتی تھی کہ دن کا سما، مگر یہ کہ ائمہ خود خاموشی سے گزرنا چاہیں تو بات الگ ہے، وہ تصرف ولائی ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ملتا ہے کہ حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ انتظار کرتے تھے کہ ہمارے گھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائے تاکہ ہم اپنی کھوئی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈھونڈ لیں، جیسے سوئی وغیرہ ہے. کہتے ہیں ان کے ہونے سے ہم نے نہ جانے کتنی بار اپنی سوئیوں کو تلاش کیا. اب بظاہر سی بات، ایک بات ضرور کہوں گا کہ مادر مسلمین، اے زوج رسول، آپ نے نور فاطمہ سے سوئی تلاش کر لی، لیکن نورانیت و جلالت فاطمہ سے یک سوئی و صراط مستقیم کیوں نہیں تلاش کیا؟ ہمیں اس بات کا افسوس بھی ہے اور آپ سے سوال بھی ہے. بس امام کا سایہ نہیں ہوتا. اذا وقع الی الارض من بطن امه، آج ایک مسئلہ پھیلا ہوا ہے دنیا میں کہ ظہور امام یا ولادت امام، تو چونکہ ہم لوگ ولادت ائمہ کو اپنی ولادت جیسے سمجھتے ہیں، لہذا لفظ ولادت سے گھبراتے ہیں. ولادت کے معنی کسی چیز کا آشکار ہو جانا ہے. اب چونکہ لفظ ولادت اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ دو مقدس انسانوں کے ذریعے سے ایک انسان وجود میں آتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک امام اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک اس کی تشکیل میں دوسرے امام کا حصہ نہ ہو، اس کے بدن میں اس کا گوشت و خون نہ ہو، تو اس صورت میں اس کی امامت درست نہیں ہوگی. امام کی شرط یہ ہے کہ امام ما قبل جو ہے والد ہو، امام ما بعد کا صرف حسن حسین علیہ السلام میں یہ فرق ہے کہ ان دونوں کے والدین علی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہما ہیں، اور حسن حسین میں برادری ہے سلام اللہ علیہما، ابوت و بنوت نہیں ہے. اس کے بعد دو بھائیوں کے میں امامت حسن حسین سلام اللہ علیہما کے بعد حرام ہے. فرمایا امام جب دنیا میں آتا ہے، اپنے ماں کے وجود سے جب زمین پر قدم رکھتا ہے، تو ہمارے آپ جیسے نہیں کہ ہم کثافتوں میں ہوتے ہیں، غلاظتوں میں ہوتے ہیں، آیا کے محتاج ہیں، ماں کے محتاج وغیرہ وغیرہ، نہیں. جیسے ہی وہ زمین پر قدم رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وقع علی راحتیہ، وہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے ہیں، ہتھیلیوں کو، رافعا صوته بالشهادت بالشهادتین، اور وہ لوگ آتے ہی اپنی پہلا کلمہ جو بولتے ہو، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ، اس کے بعد و اشہد ان ابی حجت اللہ و انا بعد ابی حجت اللہ علی الناس، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ لا خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، رسول اسلام کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی علیہ السلام سے لے کر سلسلہ امامت عین حق امامت ہے، میرے والد میرے امام ہیں اور میں ان کے بعد کا امام ہوں. اس کے بعد ولا یحتلم، کبھی بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام محتلم نہیں ہوتا، مجرم نہیں ہوتا. لیکن جنوب ہمیشہ جو ہے انسان کو نجس کر دیتا ہے، جب بھی انسان مجرم ہوتا ہے تو انسان نجس، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور جنب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان اتنی دیر ذکر الہی سے، محضر خدا سے دور ہوتا ہے. مجرم انسان غفلت کا نتیجہ ہے، بعض وقت شیطان احتلام شیطانی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام آفات سے دور ہیں، لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی محتلم نہیں ہوتے ہیں، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام دائماً پاکیزگی کی حالت میں رہتے ہیں. ولا ینام قلبہ، ینام عینہ ولا ینام قلبہ، امام کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن امام کا دل نہیں سوتا ہے. لہذا اگر امام چاہے جاگتا ہو یا سوتا ہوا ہو،
दोनों हालत में वो इमाम है। अगर फना साहब सो रहे थे उनसे क्या सीखे, नहीं, हर हाल में इमाम है। रवायतों में लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते थे और अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह फला काम, आप सोते रहते थे, फरमाते थे फला जगह फला मसला, फला सवाल का जवाब यह है, तो या रसूल अल्लाह आप सोते हुए भी तमाम मसाइल को जानते हैं और आप आँख बंद है आपकी लेकिन सब कुछ आपके सामने है और आप जवाब देते हैं, गफलत आप पे तारी नहीं होती। तो मुस्कुरा के फरमाया करते थे कि यनामो आईनी वला यनामो तनामो आईनी वला यनामो कल्बी, मेरी आँखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता है। इसी अलामत की तरफ इशारा फरमाया है इमाम अलैहिस्सलाम ने कि जो इमाम होगा यनामो आईनुहु, उसकी आँख सोएगी यानी आराम करेगी, इस्तराहत करेगी, वला यनामो कल्बुहु, लेकिन उसका कल्ब मुकद्दस कभी भी सोएगा नहीं। यकूनु मुहद्दसन, इमाम की एक और अजीम अलामत जो है वो यह है कि इमाम मुहद्दस होगा। मुहद्दस का मतलब ये होता है कि हमेशा फरिश्तों से वो टच में रहता है। फरिश्ते फौजुन यसअदु व फौजुन तंज़िलु, फौजुन तसअदु व फौजुन यंज़िलु व फौजुन यसअदु, या फौजुन मिनल मलाइकते तंज़िलु व फौजुन मिनल मलाइकते तसअदु। फरिश्तों का एक गिरोह आसमान से ज़मीन पे आता है, दूसरा गिरोह ज़मीन से आसमान तांता बना रहता है अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में। इमाम हुसैन ने वलीद बिन उकबा के दरबार में इसी बात की तरफ इशारा किया था कि ऐ वलीद, मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता, हम अहले बैत नबूवत हैं, हम साहिबान तत्हीर हैं, हम मैं मादन रसालत हूँ, मैं मरकज़ नबूवत व इमामत हूँ। उसके बाद फरमाया कि वनहन वाना मुख्तलफ अल मलाइका, मैं व महबत अल वाही, मैं फरिश्तों के आमद व शुद की जगह हूँ, फरिश्ते दायमन मुझ पर नाजिल होते रहते हैं। अल्लाह फरमाया कि इमाम मुहद्दस होता है यानी हमेशा फरिश्तों से बात करता है। यस्तवी अलैहि दिरऊ रसूलिल्लाह, इमाम वो होता है जिसके ऊपर रसूल की ज़रा बाज़ाब्ता तौर पर आ जाए यानी फिट हो जाए। क्यों? सच बात है कि इब्ने तारीख अलैहिस्सलाम का सिर कभी बच्चे होते थे, कभी बड़े होते थे, कभी बुढ़ापे होते थे, जिस्मानी कैफियत हर इंसान की बदलती रहती है, लेकिन अल्लाह रे एजाज जिस सिर में भी रसूल की ज़रा उनको पहनाई जाती थी, हर इमाम को परफेक्ट और बतौर कामिल वो ज़रा वो जैकेट रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके ऊपर परफेक्ट होती थी। इसीलिए अब्बास ने जब दावा किया कि मैं भी अपनी मुझे मीरास चाहिए, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अब्बास को अमामा दिया। उन्होंने जैसे ही अमामा सर पर रखा वो चीखने लगे, अरे अली ऐसा लगता है जैसे ज़मीन और आसमान का बोझ मेरे सर पर रख दिया गया, अमामा उतार लिया गया, उतार लो अमामा। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा पहन जैसे ही पहना, उन्होंने कहा या अली मेरे सीनों की हड्डियाँ टूट रही हैं और संगीनी में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। कहाँ अब्बास, लंबे चौड़े इंसान, और जैसे लेकिन इमाम ने फरमाया ठीक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम को जैसे ही अमामा पहनाया तो उनके सर के मुताबिक बिल्कुल वह अमामा सही उतरा उनके ऊपर। इमाम हुसैन उनसे भी छोटे थे, 3, 4 या 5 साल के थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अमामा और रिदा दरा यानी ज़रा रसूल खुदा की बिल्कुल सही उतरी। वला युरा लहू बौलुन वला गायत, इमाम अलैहिस्सलाम हम लोगों जैसे गलाए से पाक होते हैं, इमाम के वजूद में फजूलात नहीं होते। देखे अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया है कि इमाम अलैहिस्सलाम के फजूलात को छुपाए, अदाए ताहिरीन अलैहिस्सलाम के वजूद से गलाजत नहीं होती है। इमाम की खुशी अलामतों में से एक सबसे बड़ी अलामत यकून रायहत हो अतियब में रायहत मिस, इमाम अलैहिस्सलाम के वजूद बदन की खुशबू मुश्क व अंबर से ज़्यादा होती है। इमाम को अत्र लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर आइम्मा इस्तेमाल करते थे वो उन्होंने सुन्नत रसूल खुदा। यकूनु औला बिन नास मिनहुम बि अनफुसिहिम, इमाम वो होता है कि जो लोगों का वाकयान हाकिम व मालिक होता है, उनके जान व माल का अख्तियार उसके हाथ में होता है। अशफक अलैहिम मिन आबाहिम व उम्महातिहिम, इमाम उम्मत की हर फर्द के ऊपर उसकी माँ और उसके बाप से ज़्यादा मेहरबान होता है।
जितना माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करते उससे लाखों करोड़ों दर्जे बढ़कर इमाम अपनी उम्मत से मोहब्बत करता है। وَيَكُونُ أَشَدَّ النَّاسِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, امام خدا کے مقابلے میں ہمیشہ منکسر ہوتا ہے, سارے لوگوں کے درمیان امام کی تواضع اور امام کا انکسار خدا کے سامنے عجیب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کر رہے ہیں خانہ خدا میں, فرمان الہی انا اضل الاضلین اقل الاقلین انا احقر من کل عبادک, پالنے والے میں تیرا حقیر بندہ, میں تیرا چھوٹا بندہ, تیرے بندوں سے سب سے کم تر بندہ۔ جب طاووس یمنی نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یہی طریقہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ خدا کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم اس کے چھوٹے سے بندے ہیں۔ وَيَكُونُ آخذ الناس بما يأمره به, اور امام سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر جو لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام زبان سے لوگوں کو نہیں بلاتے بلکہ اپنے عمل سے بلاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مزیفہ آئی, انہوں نے کہا میرا بچہ مٹھائی کھانے کا عادی ہے, منع کیجئے۔ آپ نے تین دن کے بعد اس کو بلایا, تین دن کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا مٹھائی نہ کھاؤ, تمہارے لیے نقصان ہے, نقصان دہ ہے تمہارے دانتوں کے لیے, تمہارے صحت و رشد کے لیے کھاؤ لیکن زیادہ مقدار میں نہ کھاؤ۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر یہی کہنا تھا تو آپ نے تین دن مجھے کیوں بلایا؟ آپ نے فرمایا چونکہ میں میٹھے کھانے کا شدید عادی تھا لہذا میں نے تین دن تک میٹھا چھوڑا تاکہ میں اس بچے سے کہہ سکوں کہ تم میٹھا نہ کھا۔ آپ دیکھیں معمولی امر نہیں کرنے کے لیے بھی معصومین اس پہ پہلے عمل کرتے تھے۔ لہذا فرمایا امام وہ ہے کہ آخذ الناس بما یأمرہ بہ, جو جس چیز کا حکم لوگوں کو دیتا ہے امام ان سب سے زیادہ اس پہ وہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ وکف الناس عما ینہا عنہ, اور ان تمام چیزوں سے جس کے بارے میں خدا روکتا ہے اور خود کہتا ہے نہ کرو, تو سب سے زیادہ امام اس چیز پہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ جس چیز سے روکا جاتا ہے اس سے سب سے زیادہ امام اپنے کو روکتے ہیں تاکہ دوسروں کو دعوت دے سکیں۔ اس کے بعد فرمایا انہ ودعاؤہ مستجابن, امام کی دعا ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے۔ بعض وقت لوگ نادانی میں کہتے ہیں کہ بھائی امام مولا علی کیا علیہ اللہ کسی کی دعا مستجاب نہیں ہوئی, یہ نقص علمی ہے یا عدم توجہ ہے روایات کے اوپر۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا ہو مستجاب, امام کی دعا ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرمایا انہ لو دعا علی صخرۃ لن شقت بنصفین, اگر امام ایک پہاڑ سے چٹان سے کہیں کہ تو دو ٹکڑے ہو جا تو وہ دو ٹکڑے ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی آواز, امام کی فریاد ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے, چاہے وہ خدا کے بارگاہ میں کرے یا موجودات۔ مگر یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام تصرف ولائی نہ کرتے رہے ہوں, جیسے امام حسین پر حل میں ناصر انسورنا, لوگوں کو بلایا لوگ نہیں آئے, ایسا نہیں کہ امام نہیں بلا سکتے تھے۔ اگر امام چاہتے تو ان سب کو ایک اشارے میں اپنی لشکرگاہ میں حاضر کر لیتے, لیکن وہاں امام علیہ السلام مقام شریعت میں تھے اور مقام اختیار باقی تھا۔ پہلا امام اگر تصرف ولایت کرتے تو اس صورت میں کوئی بھی آپ کے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کو بلائے تو اس کی دعوت اور اس کی آواز کو کوئی خالی نہیں کر سکتا, مگر یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام تصرف نہ کریں ولایت کا بلکہ عام انداز میں بلائیں۔ دیکھیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب دربار میں کوفے میں پہنچی دربار سے پہلے تو آپ خطبہ دینا چاہتی تھی, آپ امام نہیں ہیں, خواہر امام ہیں, امام نہیں ہیں, شاگرد امام ہیں, خواہ امام نہیں ہیں, دختر امام ہیں, امام نہیں ہیں, دختر سیدت النساء ہیں۔ جب لوگوں نے شور شرابہ کرنا شروع کیا فاشارت باصبعہ علیہ السلام, باصبعہ علیہ السلام اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا, کہتے ہیں کہ سمعت الجرس, حتیٰ جانوروں کے گلوں کی گھنٹیوں نے بھی بجنا بند کر لیا۔ تو یہ تربیت شدہ امام کا حال ہے, تو امام کا حال
क्या होगा खुदा जानता है। وَيَكُونُ عِنْدَهُ صَلَاحُ رَسُولِ اللَّهِ, जो इमाम होगा उसके पास रसूल का असलहा होगा, रसूल का असलहा, रसूल का आसा है, रसूल का असलहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुल्फ़िकार है। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, मैं एक मिसाल देता हुआ आगे बढ़ूँ कि अब्दुल मलिक इब्न मरवान जब खलीफा हुआ तो उसने इमाम रज़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में ख़त लिखा। उन्होंने कहा कि रसूल खुदा ने फरमाया है कि जो वही इमाम होगा, वही खलीफा होगा जिसके पास ज़ुल्फ़िकार होगी, तो आपके पास ज़ुल्फ़िकार है तो मुझे वापस कीजिए चूँकि मैं खलीफा हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस कासिद से कहा कि उससे जाके कहो कि अगर वो खलीफा है तो उसके पास ज़ुल्फ़िकार होनी चाहिए, वो मुझसे क्यों तलब कर रहा है, और अगर उसके पास ज़ुल्फ़िकार नहीं है तो ऐसे ज़रूरत में उसको खिलाफत का दावा नहीं करना चाहिए। उसका मुझसे ज़ुल्फ़िकार मांगना इस बात की दलील ही है कि न वो हाकिम इस्लामी है, न वो खलीफा है, न वो इमाम है। وَيَكُونُ عِنْدَهُ صَحِيفَةٌ, और इमाम अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसा सहीफा होगा, एक ऐसा दीवान होगा, एक ऐसा दफ्तर होगा जिसमें कयामत तक आने वाले शियों का नाम उसमें होगा। यानी इमाम अलैहिस्सलाम को अपने शियों का नाम यक बैक सबको मालूम है, किसका बाप बाप है, किसका पोता है, किसका बेटा है, किस शहर। यदि आप ये ना सोचे कि इमाम अलैहिस्सलाम का कौन, इसीलिए रवायत अब्बास ने कहा मौला हम दावत देते हैं बात को शिया नहीं होते हैं। इमाम ने फरमाया शिया होना कोई आसान काम नहीं है, शिया वही होगा जिसके ऊपर इनायत अहले बैत होगी। लिहाजा अभी तो शियत एक सिलेक्शन का नाम है, इस्तीफा का नाम है, एक कलेक्शन का नाम है, इजतबा का नाम है। लिहाजा फरमाया क़यामत तक आने वाले शियों के नाम इमाम अलैहिस्सलाम के पास मौजूद है। अब ये बात अलग है, कभी ये कागज़ तो दफ्तर की सूरत में होता है, कभी ऐसा होता है कि ये दफ्तर गायब हो जाता है, ज़रूरी नहीं कोई कोई इसको पा ले। जैसा कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम जब जब कूफे से मदीना आ रहे थे तो आप के साथ कुछ ऊँट चल रहे थे जिनके ऊपर जो है पुलिंडे रखे हुए थे जिसको दीवान कहते हैं, तो उन दीवानों को एक लम्हा भी इमाम से जुदा नहीं होते थे। इब्राहिम बिन सलीम ने या इब्राहिम बिन हाशिम ने, इब्राहिम नामी शख्स ने इमाम मौला इसमें क्या है, फरमाया इन तमाम दीवानों में, इन तमाम रोल्स में तमाम क़यामत तक आने वाले शियों का नाम है। लेकिन इमाम हसन मुश्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सरमाया लूटा गया तो उसमें यह दीवान नहीं मिला, तो उसका जवाब यह है कि इमाम के पास मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई इसको छीन सकता हो, कोई इसमें तसर्रुफ कर सकता हो। लिहाजा करबला में सब कुछ उन्होंने लूटा लेकिन इमाम रसूल नहीं लूट सके, ज़रे रसूल नहीं लूट सके, ज़ुल्फ़िकार उनके हाथ नहीं आई, हत्ता आपका असब नामदार दुलदुल भी उनके हाथ नहीं आया, चूँकि अलाय में इमाम अलैहिस्सलाम ने था। उसके बाद फरमाया कि एक और सहीफा इमाम अलैहिस्सलाम के पास होगा, एक और दफ्तर होगा कि फीहा अस्मा व अदाए मिला यौमिल क़यामा, क़यामत तक आने वाले दुश्मनों का नाम उसमें लिखा होगा। आप देखें दोस्तों का भी रजिस्टर मौजूद है और दुश्मनों का भी रजिस्टर मौजूद है। यकून इंदहुल जामिया, और इमाम अलैहिस्सलाम के पास किताब जामिया होगी जिसकी लंबाई जो है सबऊना ज़रा है, 70 हाथ है। कहते अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बहुक्म रसूल खुदा एक किताब तरतीब दी थी जिसका नाम है किताबुल जामिया, जिसमें क़यामत तक आने वाले तमाम मसाइल की ख़ास बातें और मेन बातें और जुज़ियात अल्लाह ताला ने लिखाई थी ताकि अहले बैत अलैहिस्सलाम का इम्तियाज़ दूसरों से अलग रहे। अबू हनीफा से किसी ने मसला पूछा, उसने कुछ और बताया, साल आइंदा पूछा कुछ और बताया, तो लोगों ने कहा कि तुम तो ये बता रहे हो लेकिन हमने इस मसले को जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कई बार पूछा, उन्होंने एक ही तरह बताया, तो उसने कहा कि हुवा सुहफियून, कह रहे वो किताब से बताते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया का मौला वो आपका मजाक उड़ा रहा, कह रहा था वह हुआ सुहफियून, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बला इंदी सुहफ इब्राहीम,
وعندي صحيفة آدم وعندي جميع ما نظر على الانبياء. ابو حنیفہ جاہل متعلق بی ادب اور بی حیا کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پاس آدم کا صحیفہ ہے, میرے پاس صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام ہے, میرے پاس انبیاء کے دستاویزات موجود ہیں چونکہ میں امام ہوں. لہذا فرمایا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتاب جامع ہے, اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ فیہ جمیع ما یحتاج الیہ ولد آدم, اس کتاب میں وہ تمام باتیں درج ہیں جس کی طرف اولاد آدم کو ضرورت محسوس ہوگی قیامت تک. ویکون عندہ الجفر الاکبر والاصغر, اور دو کتابیں اور ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام نے ترتیب دی تھی, جفر اصغر و اکبر. اور اس کے بعد فرمایا کہ امام کے پاس مصحف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوگا. تو یہ علامت امام علیہ السلام ہے جس کو آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھیے گا, اور یہ وہ علامت ہے کہ جو ہمارے آپ کے لیے قیامت تک کام آئیں گی, اور اپنے وقت کے امام کو ہمیں پہچاننا چاہیے. یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو ہم شیعوں کے لیے باعث عظمت و شرف ہے, باعث حیات ہیں. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائے ہوئے مسائل کو ذہن میں رکھیں, اور یاد رکھیں کہ ہمارے اماموں کو نہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے سیکھتے ہیں. لہذا علائم امام کو بصورت عددوار میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کی کچھ علامتیں بتائیں کہ جن علامتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم بتایا ہے, اسقیٰ بتایا ہے, دنیا کے تمام علوم, دنیا کے تمام مسائل. زیادہ یاد رکھیے کہ آپ اس بات پر غور کریں, اور ہمیشہ اس ذہن کو رکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن نازل ہوا ہے اور اماموں ایم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام تو اس زمانے میں ہے نہیں, ٹیکنالوجی کا ان کو پتہ ہے نہیں, علیہ باللہ انہوں نے جو نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. امام علیہ السلام جب یہ گفتگو کرتا ہے تو پوری خلق اور خلق و خلقت کو نظر میں رکھتا ہے, اس کے بعد امام علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عمر ابن خطاب سے منقول ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول آپ فرمایا کہ انسان عاقل وہ ہے کہ جو گفتگو سے پہلے سوچتا ہے. تو عمر ابن خطاب نے کہا کہ آپ سے جو کچھ پوچھا جاتا ہے آپ فوراً بتا دیتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا پانچ انگلیاں ہیں. میں نے کہا سوچا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل سامنے کی بات سوچ چکے تھے. امام نے فرمایا جس طریقے سے یہ پانچ انگلیاں تمہارے لیے بالکل واضح ہے, ہمارے لیے پوری کائنات من الخلق الی یوم القیامت واضح ہے. ہم جو بات کرتے ہیں وہ تمام مسائل کو نظر میں رکھ کے بات کرتے ہیں. لہذا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے کہ امام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوتا ہے. اور ایک بات اور کہتا چلو میرے دوستو عزیزو, تمام علماء امامیہ چاہے جہاں پہنچ جائیں وہ ائمہ کے نوکر اور غلام تو ہو سکتے ہیں, ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا آپ دیکھیں تمام علماء و مراجع خود کو خادم اہل بیت علیہ السلام مانتے ہیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد.